अक्सर लोग सोचते हैं कि हार्ट की बीमारी का मतलब कि हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस, यानी कि हार्ट अटैक की बीमारी या एंजाइना की बीमारी, पर ऐसा नहीं है। हार्ट में कई तरह की बीमारी होती है। आज हम आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जिसको हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस हैं, उसकी हार्ट की पावर कम है, उसकी 25-30% हार्ट की पावर है, उसको वाल्व की बीमारी है, उसको धड़कन की भी बीमारी है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता, ईशान हार्ट सेंटर आगरा से। दोस्तों अक्सर हम सोचते हैं कि हार्ट की बीमारी का मतलब कि सिर्फ हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस आया ना, यानी कि हार्ट अटैक की बीमारी या एंजाइना की बीमारी, पर ऐसा नहीं है। हार्ट में भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। हार्ट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम जिस पेशेंट को आपसे मिलवाएंगे उसको हार्ट में ब्लॉकेजेस भी हैं, उसकी हार्ट की पावर भी कम है, मतलब उसकी पंपिंग कैपेसिटी भी कम है 25-30%, साथ में पेशेंट को वाल्व्स की भी परेशानी है, उसको एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रीगर्गिटेशन भी है, पेशेंट को नेफ्रोपैथी भी है, पेशेंट को धड़कन की भी बीमारी है, उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और एट्रियल फिब्रिलेशन भी होता है। तो ये काफ़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन है। उसको हार्ट में जितने भी तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते थे सारी बीमारियाँ मौजूद हैं, साथ में उसकी किडनी पर भी डैमेज है, उसे नेफ्रोपैथी भी है, पेशेंट की बहुत सांस फूलती थी। क्या बिना किसी सर्जरी या ऑपरेशन के ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है? तो दोस्तों मिलवाते हैं आपको ऐसे पेशेंट से। आज हमारे पास जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी तरह की बीमारियां हैं। उनको सांस की बीमारी है, उनको COPD है, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, BP इनका 200 पहुंच जाता था, साथ में इनके वाल्व्स की बीमारी है, इनका दिल का एक वाल्व एओर्टिक वाल्व में स्टेनोसिस है और उसमें लीकेज भी है। सबसे ख़राब जो बीमारी है इनको है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी है इनको, जिसे DCMP भी बोलते हैं। इनकी हार्ट की पावर 25-30% है। जब ये पेशेंट हमारे पास आए थे तब इनकी सांस बहुत फूलती थी और ये रात को सो भी नहीं पाते थे। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि हमारे इलाज के बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ, बताइए सुरेश जी आपको कैसा? हमें बहुत अच्छा फायदा है, कोई परेशानी नहीं है हमको। जब आप हमारे पास आए थे तब आपको क्या परेशानी थी? तब बहुत ही परेशानी थी। क्या दिक्कत थी? सांस फूलती थी और नींद नहीं आती थी। अच्छा, दिल की धड़कन भी तेज होती थी कभी? हाँ, नेगा थोड़ी बहुत होती, अब तो कुछ नहीं है। इनके होल्डर में भी काफ़ी धड़कनें खराब आई, इनको एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये दोनों तरह की धड़कनें इनको आई हैं। तो हम देख सकते हैं कि इतनी सारी बीमारी होने के बावजूद भी हम मेडिसिन से चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट को अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। यही हमारी प्रेरणा है कि पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि भविष्य में जो भी मैं आपको वीडियो देता रहूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगर आप मुझे पर्सनली दिखाना चाहते हैं तो आप ईशान हार्ट सेंटर आगरा में मुझे दिखा भी सकते हैं।